सबको हनीमून डे का हार्दिक बधाई। होम्योपैथी कॉलेज में जब हम एडमिशन लिए थे तो शुरुआती 2 साल 3 साल जब पढ़ रहे थे तो सिर्फ सिर्फ जो रेगुलर टीचिंग होता है वही सुन रहे थे। कुछ ज्ञान नहीं था कि आगे जाके क्या कर सकते हैं। जब फाइनल फोर्थ ईयर आया तो कुछ हमारे टीचर थे जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे उस उनके अनुभव से, तो उनके साथ जुड़े, फिर समझ में आया कि होम्योपैथी काम करती है तो हम भी कुछ कर सकते हैं इसमें। लेकिन जब कॉलेज छूटा फिर जब हम जैसे पब्लिक में जाते हैं तो समझता है कि अरे यहाँ तो बहुत कंडीशन ख़राब है, कि प्रैक्टिस करनी है तो रिज़ल्ट होना चाहिए, रिज़ल्ट नहीं होंगे तो पेशेंट नहीं आएंगे। तो कुछ साल फिर से किसी टीचर के साथ जुड़ना पड़ा, तो सीखते सीखते फिर सेमिनार्स अटेंड किए, उसमें फिर अलग अलग जो समझ थी सबकी उनके कुछ संप्रदाय बने, जैसे प्रिडक्टिव होम्योपैथी हो गई, शंकर सन का टीचिंग हो गया, कुछ अलग डॉक्टर्स भी थे उसमें, तो फिर उनको सुनना पड़ा क्योंकि प्रैक्टिस करनी है तो कुछ जानना ज़रूरी था। तो उनको सेमिनार्स किए, फिर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी। और जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उनके बुक पढ़ रहे थे, हनीमन सर का लिटरेचर का एक भी वर्ड कभी पढ़ा नहीं था ऑर्गेनॉन को छोड़ के, और ऑर्गेनॉन भी पढ़ते थे तो जो टीचर बोलते थे उनके अंडरस्टैंडिंग से वही सुन सुन के समझते थे कि हाँ ये सही होगा, कि हनीमन सर क्या कहना चाहते हैं कभी किसी ने बताया नहीं, कि ये यही है, ये सच में यही होगा। तो प्रैक्टिस करते करते फिर सुनते सुनते 2018 में पुणे में सर का एक सेमिनार हुआ था, उनकी 6th बैच नो फर्स्ट और सेकंड बैच का ये था। फर्स्ट और सेकंड बैच की सर्टिफिकेट सेरेमनी थी, तब हम वो सेमिनार अटेंड किया था। तब जब सेमिनार अटेंड हुआ और सर की जो टीचिंग सुनी तो ठान लिया कि ये कोचिंग करेंगे, ये आगे जाके हेल्पफुल हो सकता है। जैसे अलग अलग सेमिनार होते थे तो वैसे ही इसको भी सोचा कि हम करेंगे, देखते जब क्या होता है। लेकिन जब स्टार्ट किया फंडामेंटल कोर्स तो जो हनीमन सर का लिटरेचर है उसमें पहले फर्स्ट टाइम वो सब किताबें खरीदी, क्रॉनिक डिसीज खरीदा, लेसर राइटिंग, ऑर्गेनॉन टू बुक कॉलेज से थी, तो उसको पढ़ना चालू किया। तो सब बोलते थे कि हनीमन सर का लिटरेचर जो है पढ़ने में आसान नहीं, डिफिकल्ट है। लेकिन जब फंडामेंटल स्कोर के साथ वो बढ़ते गया आगे आगे, एक एक लेक्चर जैसे होता गया, सर के टीचिंग्स और वर्जिनियन टीम का जो सपोर्ट रहा, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बने कि ये हाँ ये बेसिक है, ये इससे ऐसा काम कर सकते हैं तो कुछ हम हासिल कर सकते हैं। और फंडामेंटल कोर्स के बाद जब LM किट से प्रैक्टिस भी शुरू की तो रिजल्ट भी आने लगे। कुछ फर्स्ट केस थी मेरे वो डायबिटीज़ की थी, उसमें मैंने अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा पेशेंट में, तो एक ये समझ तो और पक्का हो गया मन में कि 3200 जो प्रोटीन सी है ये कुछ टाइम के लिए काम करती है बट वो रिकरेंस आ सकती है वापस वापस। तो LM में जब शुरू किया तो उसमें बिंदास दे सकते थे क्योंकि एग्रेशन कभी दिखा नहीं उतना, और पोटेंसी का जो समझ था उसमें एक डाउट तो क्लियर हो गया कि अभी LM यूज़ ही करना है क्योंकि हनीमान सर का वो रिकमेंडेशन है। तो वो शुरू किया, फिर प्रैक्टिस करते करते विश्वास तो और बढ़ गया कि हनीमन सर का लिटरेचर हमें कुछ ना कुछ हासिल करा के देगा। फिर बाद में प्रैक्टिस करते थे, सर के साथ भी टच में थे, हर साल हनीमन डे सेलिब्रेशन होता था तो उसमें हम सर के साथ मिलते थे, फ़ोन पे भी बात होती थी। फिर जब एडवांस स्टडी का कोर्स हुआ लास्ट साल शुरू, तो फिर वो भी करने की मनीषा हुई क्योंकि कुछ डिसीज में जैसे किडनी फेलियर फेलियर के केस हुए, रिनल फेलियर हुआ, हार्ट के प्रॉब्लम हुए, ये कुछ बड़ी बीमारी होती हैं लगते हैं हमें, लेकिन वो छोटी बीमारी, लेकिन हम डर जाते हैं कि हम इसको हाथ लगाए कि नहीं लगाए, इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये स्विच सीखना बाकी था, तो फिर एडवांस कोर्स को ज्वाइन किया। एडवांस कोर्स करते करते फिर मतलब अभी शुरू है, कुछ दिन बाद क्लियर होगा, तो उसमें ये समझ रहा है कि सोरिक सिम्टम्स क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि उसकी इनिशिएशन पेशेंट की जो होती है उसमें हम समझ सकते हैं, और पेशेंट कहाँ तक लैंडिंग हो रहा है ये भी समझ सकते हैं। तो मेडिसिन उसमें
देने के लिए क्या ज़रूरी हो सकता है। पेशेंट का वाइटल फोर्स कहाँ एंगेज है उसको देखो, फिर उसके इंटेंसिफाइड ऑर्गन देखिए, फिर सोरिक सिम्टम्स देखिए। तो ये मिला के अगर हम मेडिसिन अच्छे से ढूंढेंगे तो उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये एडवांस कोर्स से हम सीख रहे हैं सर। हमसे बहुत होमवर्क अच्छा से करा लेते हैं, क्योंकि ये हम डेली रूटीन में नहीं कर सकते, लेकिन सर जो बीच बीच में बताते हैं कि ये कोशिश करो, ये वर्ड्स ढूंढो, इस डिसीज पे काम करो, तो ये और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो समझ बढ़ रही है, साथ में उसके हिसाब से पेशेंट भी आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है सर कि ये फ़ायदा बहुत देगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हनीमन सर का जो ओरिजिनल थॉट है, जो लिटरेचर है, ये आपने हमारे सामने लाया, ये अब तक किसी ने काम नहीं किया था, तो ये आप कर रहे हैं और साथ में आपकी वजह से हम आपके साथ जुड़े हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व का महसूस होता है कि जो अच्छा लिटरेचर है जो डॉक्टर हनीमन हमारे लिए छोड़ गए, इसके लिए हम कुछ कर सक रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।